तो चलिए इसको ओपन करते हैं। और वही हमारा किचन नाइफ, यही नाइफ़ है मेरे पास, और तो कोई नाइफ है नहीं। तो ये रहा हमारा बॉक्स, इसको हटाते हैं। और ये आप देखिए, इसमें लिखा है ये लंबा चलेगा, 2 मंथ तक का यूज़ का इन्होंने कहा है, क्योंकि इन्होंने एक अजम्पशन किया है कि लगभग 5 मिनट डेली यूज़ करेगा इंसान, या जब भी अपनी ट्रिम बनाएगा तो 5 मिनट में इन्होंने माना है कि उसका काम हो जाएगा। तो इन्होंने 2 महीने का इसका बैटरी का टाइम दिया है। वैसे अगर आप इसको चार्ज करेंगे 2 घंटे तक तो आपको यहाँ पर 160 मिनट का ऑपरेशन टाइम मिल जाएगा। इसके ब्लेड जो है टाइटेनियम ब्लेड हैं, ऑटोमेटिक ऑटो शार्पनिंग ब्लेड हैं, और साथ में आपको एक स्टाइलिश डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। और बाकी तो आप देख सकते हैं पावर सीरीज P3 मॉडल है इनका, लिखा है यहाँ पर मेड इन इंडिया। तो भाई मेड इन इंडिया एक्चुअल में है नहीं है, ये तो देखना पड़ेगा। यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी तगड़ा लिख रखा है मेड इन इंडिया, और जो इसके स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर आप पॉज करके देख सकते हैं। वारंटी यहाँ पर आपको मिलती है 1 साल की। तो भैया ये सब कुछ है, यहाँ पर हमारे भाई साहब बने हुए हैं क्रिकेटर। तो चलो ठीक है, 40 आपको इसमें लेंथ सेटिंग मिलती है, टाइटेनियम ब्लेड है, और कॉर्ड एंड कॉर्डलेस दोनों तरह के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें USB की चार्जिंग मिलती है, 2 कॉम के अटैचमेंट मिलते हैं, ट्रेवल लॉक है, और वॉशेबल ब्लेड जो हैं जो किसके अलग हो जाते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखते हैं भैया, अब देखें कितना मेड इन इंडिया है। चलो देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मैन्युफैक्चर की, तो मैन्युफैक्चर जो है यहाँ पर, हाँ भाई लिखा तो है नोएडा, भाई नोएडा वेगा मार्केट भाई है वेगा मैन्युफैक्चर पैकेट भाई, यही है वेगा, यानी कि मेड इन चाइना तो नहीं है ये, चलो मेड इन इंडिया है, ये नोएडा बना हुआ है। MRP है 1299, लेकिन मुझको मिला है 999 का। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर कोई भाई सील बिल तो लगी नहीं है भाई, आइटम आइटम सही मिलेगा, कोई नहीं देख लेते हैं भैया क्या चीज़ है इसमें, नज़ारा क्या है अंदर का। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर, अरे दादा ये क्या है, ये एक आपको मिलता है वारंटी कार्ड, इसको हटाओ। यहाँ पर वारंटी कार्ड तो आजकल ऑनलाइन मिल जाती है, और ये आपको मिलता है मैनुअल, अगर कोई भी आपको इशू हो तो आप यहाँ से देखकर अपना डिवाइस को आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए ये गया, अब यहाँ पर हमको मिलते हैं 2 चीज़ें। ये क्या बना हुआ भाई, कैसे मिलेगा, अच्छा कुछ इस तरह से ये ओपन होगा और कुछ इस तरह से ये ओपन होगा। तो ये पूरा कच्चा चिट्ठा है आपके सामने। सबसे पहले तो आपको ये एक ब्रश मिलता है जिससे कि आप इसके ब्लेड वगैरह साफ़ कर सकते हैं। तो ये रहा आपका ब्रश, और आपको ये माइक्रो USB से चार्जिंग मिलेगी इसकी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ फोकस करके, फोकस नहीं हो रहा, ये है आपको माइक्रो USB मिलेगी, और यहाँ पर आपको नॉर्मल जो हमारा USB होता है वो मिलता है आपको, केबल लगभग होगी 1-2 मीटर की। और यहाँ पर आपको वेगा का पाउच मिलता है, ये अच्छी बात है कि मेड इन इंडिया है। मेरे दिल पे एक बोझ था कि ये पता नहीं मेड इन चाइना वाला मिल जाएगा। ये आपको ऑयल मिलता है जो कि आपको इसके ब्लेड पे अप्लाई करना होगा ताकि इसके ब्लेड जो है स्मूथ रहें। तो इसको रखते हैं यहाँ पर। ये आपके अटैचमेंट शायद 2 होंगे, तो भैया अटैचमेंट भाई कहाँ से खोलोगे, इनका नहीं पता कहाँ से खोल रहेगा। तो भैया मैं तो ये जो हमारा चाकू है किचन वाला ना, उसी को यूज़ करता हूँ। खोलो ना खोलो तुम, यहाँ से तो आओगे ही। यहाँ पर एक ही ब्लेड है, ये इसका जो अटैचमेंट है वो एक ही मिला हुआ है, 2 तो नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ था क्या, 40 लेंस सेटिंग 2 कॉम अटैचमेंट, लेकिन भाई यहाँ तो केवल एक ही कॉम अटैचमेंट है, हो सकता कि एक इसमें लगी हुई हो अटैचमेंट। हाँ एक अटैचमेंट जो है वो साथ में लगा हुआ आया है। तो इस अटैचमेंट को कैसे निकालते हैं, यहाँ से निकल गया ये इस तरह से, और काफ़ी चमकदार बॉडी है भाई इसकी। और यहाँ पर आपके प्रॉपर 10 स्पीड सेटिंग, स्पीड नहीं, जो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ, जैसे कि सपोज़ करिए इसको यहाँ पर कैसे लगेगा। तो ये जो है दोस्तों, ये कैसा लगता है मैंने फाइंड आउट कर लिया है, ये इस तरह से लगेगा आपका इस तरह से। और यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिएगा ये जो ब्लेड है यहाँ पर, ये देखिए, ये जिस तरह आप बढ़ाते जाओगे उस तरह इसकी हाइट जो है एडजस्ट होती जाएगी। तो कुछ इस तरह के 10 तक की आपकी
हाइट ये एडजस्ट करता है। यहाँ पर इसको निकालते हैं, और अगर दूसरा आपको हेड लगाना है तो दूसरा भी हेड आप यहाँ से लगाइए, और उसके बाद आप इसको देखिए यहाँ पर भी आपको उसी तरह से ये ऊपर नीचे होता है, ताकि आपके जो भी आपको सेटिंग है या आपको एक नंबर दो नंबर इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। और अगर साथ ही आपको ये ब्लेड साफ़ करने हैं तो इसको आप यहाँ से इस तरह से टक करिए, आपका ये निकल जाएगा। और यहाँ पर आपको देखिए मोटर का जो हेड है, चला के देखते हैं भाई इसको कैसा लगता है। ये देखिए ये मोटर चल रही है, तो ये कुछ इस तरह का है। और आपको लगाना है तो आपको ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को आपको यहाँ रखना है इस पे, और उसके बाद आपको यहाँ पर कट कर देना है। मैं फिर दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से आपको निकालना है, और जब लगाना है तो आपको यहाँ पर रखना है और यहाँ पर कट कर देना है। तो इस तरह से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो डिस्प्ले है, देखिए अभी यहाँ पर मुझको ऑलरेडी 100 पे मिली है ये, और इसका जो रन टाइम है मैंने आपको दिखाया 160 मिनट का है। तो ये काफ़ी अच्छा मुझको चॉइस लगा, जिनको अपने देखिए अगर आपको जीरो यूज़ करना है तो आप सीधा ही इसको यूज़ कर लें। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर करते हैं, देखिए सारे बाल ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरह काफ़ी अच्छी तरह से अनचाहे बालों से छुटकारा दिला देगा ये ट्रिमर। देखिए बिल्कुल चिकना हाथ हो गया यहाँ पर है। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है, और काफ़ी स्मूथ काम कर रहा है। और अगर बात करूँ मैं इसके ओवरव्यू की, तो यहाँ पर आपको स्पीड वाला मिलता है, स्पीड नहीं, हाइट एडजस्टमेंट के लिए। और यहाँ पर आपको ऑन ऑफ मिलता है, यहाँ पर आपको बैटरी का चार्जिंग दिखाता है वो मिलता है, और यहाँ पर आपको ब्लेड मिलता है। बॉडी काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक सी है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेड इन इंडिया। अच्छी बात है भाई, बच गया मैं। देखिए चार्जिंग टाइम है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का चार्जिंग टाइम है। आपको 5 वोल्ट के चार्जर से इसको चार्ज करना है, और जो चार्ज करना है वो हिस्सा यहाँ पर है, जो कि माइक्रो यूएसबी है। अगर आपके पास पुराना एंड्रॉयड पड़ा हुआ है कोई, तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको दिया हुआ है ये माइक्रो यूएसबी, इसको आपको डालना है यहाँ पर, और बस आपका चार्जिंग स्टार्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और हैंडी चीज़ है ये। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ट्रिम करके भी दिखाया कितनी अच्छी तरह से इसने ट्रिम किया है। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इस वेगा के ट्रिमर के बारे में आपके थॉट्स क्या हैं, कैसा लगा आपको ये, आप नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक गियर नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहा है यार, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल और ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।